अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी में बैठे बैठे टिप्पणी कर दी कि सिंगापुर में जो कोरोना वायरस का वेरियंट है वो बच्चों के लिए खतरनाक है और अगर वो भारत आ गया तो देश में तीसरी लहर आ जाएगी, इसीलिए भारत सरकार को सिंगापुर से आने और जाने वाली उड़ानों पर रोक लगा देनी चाहिए। इसके बाद सिंगापुर ने इस मामले को बड़ी गंभीरता से लिया, भारतीय उच्चायुक्त को बुलाया, अपनी आपत्ति दर्ज कराई और अब भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का बयान भारत का बयान नहीं है। क्या कहा है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने और क्या कहा है नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने, ये आपको सुनाएंगे, आपको बताएंगे सारा विषय क्या है। लेकिन आप देखिए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री चाहे हर विषय पर टिप्पणी करते हैं, बहुत सारे राजनीतिक विषयों पर टिप्पणी करते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर टिप्पणी अगर वे करते हैं बिना किसी जानकारी के तो उससे देश की छवि को कितना नुकसान होता है, ये एक बड़ा गंभीर विषय है। हमने देखा कि किस तरीके से अभी जब पिछले दिनों ऑक्सीजन की कमी हुई थी तो सिंगापुर ने बढ़ चढ़कर भारत की मदद की थी। खैर, आपको इस पर पूरी जानकारी देंगे, साथ ही बात करेंगे भारतीय नौसेना के उस अभियान की जो उसने सागर में छेड़ा हुआ है लोगों को बचाने का, उस पर क्या अपडेट है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं केजरीवाल की टिप्पणी से हुए बवाल की। सिंगापुर में कोरोना वायरस के कथित नए स्वरूप के मद्देनजर वहां उड़ान रद्द करने संबंधी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की टिप्पणी पर सिंगापुर सरकार की आपत्ति के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने बुधवार को स्पष्ट किया कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में दोनों देश मजबूत साझेदार हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री की टिप्पणी भारत का बयान नहीं है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट किया, सिंगापुर और भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में मजबूत भागीदार रहे हैं, एक परिवहन और आपूर्ति केंद्र और ऑक्सीजन आपूर्तिकर्ता के रूप में हम सिंगापुर की भूमिका की सराहना करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी मदद के लिए सैन्य विमान तैनात करने का उनका भाव हमारे अभूतपूर्व संबंधों को स्पष्ट करता है। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, हालांकि कुछ लोगों के गैर जिम्मेदाराना बयान से हमारे दीर्घकालिक साझेदारी को नुकसान पहुंच सकता है, इसीलिए मैं स्पष्ट कर देता हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का बयान पूरे भारत का बयान नहीं है। वहीं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट कर कहा, सिंगापुर स्वरूप वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री के ट्वीट पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराने के लिए सिंगापुर सरकार ने आज हमारे उच्चायुक्त को बुलाया था। उन्होंने कहा कि हमारे उच्चायुक्त ने यह स्पष्ट किया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास कोविड-19 के स्वरूप या नागर विमानन नीति पर कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है। दरअसल एक दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया था कि सिंगापुर में आया कोरोना का नया रूप बच्चों के लिए बेहद खतरनाक बताया जा रहा है, भारत में ये तीसरी लहर के रूप में आ सकता है। उन्होंने कहा कि उनकी केंद्र सरकार से अपील है कि सिंगापुर के साथ हवाई सेवाएं तत्काल प्रभाव से रद्द हों और बच्चों के लिए भी वैक्सीन के विकल्पों पर प्राथमिकता के आधार पर काम हो। सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा था कि इन दावों में कोई सच्चाई नहीं है। सिंगापुर के विदेश मंत्रालय ने भी दिल्ली के मुख्यमंत्री के दावे पर आपत्ति व्यक्त की थी। केजरीवाल के दावे के बाद विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा था कि सिंगापुर की स्थिति पर केंद्र सरकार की नजर है और सभी एहतियात बरती जा रही है। पुरी ने ट्विटर पर कहा था, केजरीवाल जी, सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें मार्च 2020 से ही बंद हैं, सिंगापुर के साथ हमारा एयर बबल भी नहीं है। उन्होंने कहा कि वंदे भारत मिशन के तहत दोनों देशों के बीच कुछ उड़ानें जारी हैं ताकि वहां फंसे भारतीयों को वापस लाया जा सके। हरदीप सिंह पुरी ने कहा, हम स्थिति पर अब भी नजर बनाए हुए हैं, सभी एहतियात बरते जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि कोरोना वायरस महामारी के कारण भारत ने 23 मार्च 2020 से सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर रोक लगाई हुई है। बहरहाल मई 2020 से वंदे भारत मिशन के तहत विशेष अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों का संचालन हो रहा है। दूसरी ओर नौसेना का युद्धपोत आईएनएस कोच्चि बजरे P-305 से बचाए गए लोगों में से 125 को लेकर बुधवार को मुंबई पहुंचा। यह बजरा चक्रवात ताउते में फंसने के कारण अरब सागर में डूब गया था। बजरे पर 273 लोग मौजूद थे जिसमें से नौसेना ने अब तक 184 लोगों को बचा लिया है। आईएनएस कोच्चि के कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन सचिन सेकपीरा ने संवाददाताओं को बताया, हमारा पोत P-305 से अब तक बचाए गए 184 लोगों में से 125 को लेकर लौटा है। उन्होंने बताया, समुद्र उफान पर है और हवा 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। समुद्र में 9 से 10 मीटर ऊंची लहरें उठ रही हैं। ऐसे में तलाश और बचाव अभियान के लिहाज से परिस्थितियां कठिन है।
बजरे पर मौजूद लोगों को बचाने के लिए आईएनएस कोच्चि मुंबई से सोमवार को रवाना हुआ था। एक अधिकारी ने बताया कि तलाश और बचाव अभियान अभी जारी ही है और लोगों को सुरक्षित तट तक लाने की उम्मीद हमने अब तक नहीं छोड़ी है। नौसेना के एक प्रवक्ता ने बताया कि दो अन्य बजरों तथा एक ऑयल रिग पर मौजूद सभी लोग सुरक्षित हैं। उल्लेखनीय है कि ये बजरे चक्रवात ताऊते के गुजरात तट से टकराने से कुछ घंटे पहले मुंबई के पास अरब सागर में फंस गए थे। आइए आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के बागपत के गांव में। खास तौर पर यहां पर कहा जा रहा है कि कोरोना के मामले काफी बढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जिसके बाद प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। आइए देखते हैं क्या कहना है गांव वालों का और क्या कहना है प्रशासन। ये पिछले साल भी महामारी आई थी, उस बार भी इसकी दूसरी लहर है। मेरे गाँव की जितनी क्षति हुई है, इतनी मौतें मैंने अपने जीवन में कभी ना देखी थी ना सुनी थी। गाँव का बड़ा बुरा हाल है सर। सर ये है कि एक को शमशान घाट में हम फूंक के आते हैं, दूसरी चिता घर में रखी रहती है। ये बड़ा है कि दुख भरी माहौल चल रहा हुआ है सर। हमने बहुत कोशिशें कर ली गाँव को बचाने की, प्रशासन की तरफ से हमें कोई भी सहयोग नहीं मिल रहा। पूरा मामला ये कि जब वहाँ पहुँचने के बाद तो जो है सूचना पहले भी मिली थी, पहले भी टीम इससे पहले भी भेजा गया था टीम सर्वे करने के लिए। तो जो आपकी डेथ वाली बात बता रहे हैं, ये बात कहना गलत है कि सारे मरीजों की डेथ जो है कोरोना की वजह से हुई है। ये मरीज ऑलरेडी ओल्ड एज के थे, जिनकी उम्र 70 साल 75 साल, कुछ मरीज हार्ट की डिजीज कुछ मरीजों को थी, कुछ डायबिटीज़ था, कुछ मरीज पहले ही लंबी बीमारी से जो है वो जूझ रहे थे, और कुछ फीवर था कुछ मरीजों को, एक दो मरीज को कुछ फीवर की वजह से भी डेथ हुई। लेकिन ये कहना मुश्किल है कि इस मरीजों की डेथ कोरोना से हुई है, ये बात एकदम गलत है। आज हमने सर्वे किया सर, हमने जांच पड़ताल करी है, अपने टीम को लगाया फिर से जांच करने के लिए, घर घर जा के हमारे RRT टीम देखी और वहाँ के ग्राम प्रधान से भी मिला। ग्राम प्रधान के द्वारा बताया गया कि ऐसी डेथ नहीं हुई है कि जो है डेथ जो है कोरोना से हुई। इसमें मैंने आपको अभी भी बताया कि मरीज जो है कुछ सीनियर सिटीजन थे, जो काफ़ी लंबी पुरानी बीमारियों से जो है पीड़ित थी, कैंसर था किसी को, हार्ट डिजीज थी किसी को, सांस बीमारी थी, तो इसकी वजह से डेथ हुई है।